हेलो एवरीवन, जय माता दी। मैं हूँ जूही और आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये नवरात्र का 5वां डे का वीडियोस है। तो यहाँ पे माता रानी का दरबार है और यहाँ अच्छी खासी मतलब जो भी करें। तो कल हम गए थे अपने लिए कुर्ती लेने, क्योंकि जिस बाबू जब से पेट में आया, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं ली, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी होती है, जब मैं नए कपड़े नहीं लेती हूँ, बहुत मजबूरी में मुझे लेना पड़ता है। तो बस मैं तेज मिली थी और करवा चौथ मिली थी, बाकी मैं तब से 9-10 महीने जब से मैं घर से आई, जब से एक भी कपड़े नहीं लिया, मतलब अपने मायके से जब से आई तब से एक भी कपड़ा। भाई विंध्याचल जब वहाँ वैष्णो माता जा रही थी, जब एक सूट लिया था, उसके बाद से मुझे याद है कि मैंने नहीं लिया। ये दो साड़ी लिया था, बाकी और नहीं कुछ लिया। और बाबू के होने के बाद 2 साड़ी मुझे मिली थी, एक छठी पूजने के लिए मिली थी और एक जो है जिस दिन कथा हुआ था उस दिन 2 दिन, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अब पता नहीं हमारे ससुराल में होता होगा तभी तो मम्मी करवाती हैं, नहीं तो हमारे मायके में नहीं होता ऐसा कुछ, ये मतलब पूजा पाठ ऐसा नहीं होता है। 1.25 महीने तक लोग करवाते नहीं हैं, 1.25 महीने के बाद एक हल्दी वगैरह कूटने वाला होता है उसको करवाते हैं शुभ मुहूर्त में, और नहीं तो फिर जैसे खरवास वगैरह लगने वाला होता है उसी दिन करवा दे, तो ऐसा होता है मतलब ये नहीं। और मेरे यहाँ ये नहीं हुआ कि मतलब बेबी हुआ है तो 1.25 महीने बाद आपको हल्दी कुटवाई जाएगी, आपसे कुछ मीठा बनवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप जो भी आप खाना पीना लेके खा सकते हो और क्या नाम है चाय बना सकते हो कुछ भी, तो मैंने तो ये कभी नहीं, मतलब 1 महीना ही हुआ था जब भी मैंने चाय वगैरह बना के पीना स्टार्ट कर दिया था। हाँ 1 महीना 5-6 दिन हो गया था, तो हम स्टार्ट करते थे जब बाबू एडमिट था, पानी वगैरह मैं खुद गर्म कर लेती थी, पी लेती थी। अभी भी मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, जो कि आज मतलब नवरात्र चल, आप समझ सकते हो 27 तारीख आज 27 मार्च, अभी भी मैं ठंड पानी पी रही हूँ और शॉल ढक रही, क्योंकि मेरे को ऐसे एक आदमी ना बहुत ठंड सी लग रही है। और आप समझ सकते हो जब से बाबू बीमार हुआ एडमिट हुआ, डेली दोनों टाइम घर आना जाना, 24-24 घंटे बैठना, 3 दिन मैंने कुर्सी पर सो के बिताया, फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में दूसरे जहाँ गई वहाँ पर बाहर जो सोफे लगे रहते उस पर सो के बिताया। तो ऐसे था, आपकी बार मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यही सब था, और ऐसे तो मेरा ये नहीं कुछ हुआ मतलब छूना, तो वही हवन वगैरह होता है। यहाँ के जो लोग हरियाणा के लोग होते हैं वो 10 दिन में हवन करवा देते हैं, यहाँ के शुद्ध हो जाते हैं। और हमारे यहाँ भी 10 दिन में काम करवाने के लिए बोलो ना, सारे कहेंगे 10 दिन भी नहीं खिला पाए, 1 महीना भी नहीं खिला पाए, 20 दिन भी नहीं खिला पाए, तो ऐसा होता है। पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 10 दिन पर हवन करवा देंगे, आप लोग खाओ पियो जो मन करो वो करो। और मैंने देखा नॉर्मल डिलीवरी वाले लोग, मतलब मैं देख के परेशान रह गई। एक लेडी आई और उसको बेबी हुआ 15 मिनट घर से आई, वो उसकी सास बोल रही थी कि घर पे 3 बार उसको पेन आया था, और वो मतलब सेक्टर 9 से आई, और जैसे हॉस्पिटल में गई और एक लोग आके कह रहे हैं कि बच्चा पेट में पट्टी कर दिया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पीछे से एक बेबी लेके आ गया, बोला आपको बेबी बॉय हुआ है। इतनी मतलब इतना जैसे एक मजाक सा लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं। तो उनकी सास बोली अभी ये तो कह रही थी ऑपरेशन होगा, आप बेबी लेके आ गए, तो बोले कि जब जब हो गया नॉर्मल डिलीवरी तो हम कर दिए। इतना मतलब उनको बेबी गर्ल चाहिए थी, क्योंकि बेबी बॉय था, उनको बेबी गर्ल चाहिए थी, बट जिसको चाहिए उसको नहीं होता है और जिसको नहीं चाहिए उसको हो जाता है, तो ये भी भगवान एक वही करते हैं। तो हमारी भी इच्छा थी कि हमारी भी बेटी हो, और सबका इच्छा था, बट भगवान जो होते हैं ना वो सब कुछ अपनी मर्जी से देते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से देते हैं, तो उस हिसाब से हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और क्या पता हमारी सास को एक बेटा एक बेटी था, तो हमें 2 बेटा हो गया, तो इससे मतलब वो नहीं कर सकते। क्या पता मैं तीसरा करती तो मेरी बेटी होती, पर ऑपरेशन हो चुका है 2-2, तो अब मेरी हिम्मत नहीं है, अपनी बहू को ही बेटी बनाऊंगी, यही मेरी इच्छा है। और मेरी बहन के 3-3 बेटियां हैं, मेरी ननद है, पहले तो मेरी ननद की पड़ेगी, फिर मेरी बहन की बेटियां हैं, मेरी उस पार में जो ननद है उनकी 4-4 बेटियां हैं। तो अगर बेटियों का मुझे शौक़ होगा तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं कि अपनी बेटी रहे तभी आपकी इच्छा पूरी होगी, दूसरे की बेटी से भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। तो हमारे पास 8 लोग हैं, तो हमें कमी नहीं है, और बेटा तो है ही। तो ये 7 बहनों के भाई हैं और ये बुआ के भतीजे हैं दोनों, तो ये भी लकी ही हैं, तो ये भी मेरे लिए बहुत लकी है। आपको बताऊंगी ये मेरे लिए क्यों लकी है। ये जो मेरा दूसरा बेटा है बड़ा वाला भी तो लकी ही है, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो अनहद खुश है, ये भी उससे ज़्यादा है। ये मेरे लिए बहुत लकी है, जैसे कि मैं बताऊंगी कभी किसी चीज़ में, अभी इतना जल्दी नहीं, पर कभी बताऊंगी, ये मेरे लिए बहुत लकी, और इसके बाद लकी चांस भी है, तो दिखाऊंगी कभी।
मतलब गॉड गिफ्टेड है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ वैसा है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये मेरे लिए गॉड है, और ये मतलब भगवान जी ने इसे मेरे लिए दो 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 काम ये बहुत अच्छा किया हमारा, और आगे करता ही जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और मेरे मायके जाने का टाइम आ रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा मैं अपने मामा के घर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी भाभियाँ और ये मतलब भाभी वगैरह हैं, मेरी दीदी हैं, मतलब मैं दीदी के यहाँ जाऊँगी अपने, फिर मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खुश रहेगी तुम आओगी। और पता है मैं 1 साल पर जाती हूँ, तो इसलिए मुझे मेरी तो खुशी दुगनी होती है, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे 21 मई को चली थी, 22 को 21 अप्रैल को चली थी, 22 को आ गई थी यहाँ पे, और 26 को मेरी एनिवर्सरी थी। तो मुझे 1 साल हो जाएगा, 1 साल में मैं गई नहीं और वहाँ से कोई आया भी नहीं है, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाती है, और एक भाई एक मम्मी है, पापा है नहीं, कि चलो दो तीन भाई है तो एक आया, एक गए, एक आया, एक गया, तो इस पे आ रहा है मैसेज किसी चीज़ का। तो मम्मी आई थी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो पापा का हक पूरा करती है मेरी मम्मी, आई लव यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हो जो मेरी इच्छाएं पूर्ण करती हो, मेरी हमें कमी नहीं होने देती हो किसी चीज़ का। कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि सबके पापा होते हैं, आते हैं, सबके भाई आते हैं, सबके वो आते हैं, कोई त्यौहार पड़ा त्यौहार लेके आते हैं, या फिर मिलने ही आ जाते हैं, या फिर बेबी हुआ देखने आ जाते हैं, तो मुझे बहुत कभी कभी तकलीफ होता है, बट अच्छा लगता है कि कोई, फिर समझती हूँ कि मम्मी जॉब करती है और भाई है तो अभी वो कहीं सेटल नहीं है, तो सबको सोचना पड़ता है। और मेरी दीदी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जूही आ रही है, जूही आ रही है, हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, हम तुम्हें ये खिलाएंगे, हम तुम्हें ये यहाँ ये चीज़ मशहूर है, ये यहाँ ले चलेंगे, गाँव में शादी है, तो ये सब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए। और पता है हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हम अगर ससुराल में हैं तो हमें मायके की याद आती है, अगर हम मायके में तो हमें ससुराल की याद आती है, अगर हम जिम्मेदार हैं तो, अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे जो जहाँ पे हो। तो जब मैं वहाँ आ जाती हूँ ना, तो 20-25 दिन बहुत आराम से निकलते हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ के लोग हैं मतलब मिलते हैं 1 साल बाद, तो ऐसा लगता है कितने दिन बाद मिले हैं, तो टाइम जब 20-25 दिन हो जाते हैं, जब लगता है कि यार वहाँ मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, मम्मी परेशान हो रही होंगी, पापा ऐसे होंगे, बाबू है उसको छोड़ के जाते थे, इसको तो ले जाऊँगी, तो चलो बहुत बक 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 कर ली, पर कोई नहीं, जो दिल की बात है वो शेयर कर ली। तो आपको दिखाती हूँ मैंने जो उठ गया, उठ चुके हैं, और मैं आपको ये देखो पीछे तेल लगा हुआ है, तो बच्चों के घर में ऐसे ही होता है। तो मैं कल गई थी कुर्ती लेने, क्योंकि मुझे जाना है मायके, तो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला बहुत ज़्यादा, बट मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने शॉप से किया, ये मेरी नज़र एक बार उस कपड़े पे गई, कि मैं सच बताऊँ ना, इसको ऑनलाइन मैंने कम से कम 10 बार देखा था कि मतलब अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बट मैंने लिया नहीं था। तो कल मैं गई ऐसे डेली वेयर कुर्ती लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी बेबी होने के बाद फिगर में भी चेंज आ जाते हैं, तो सारे कपड़े मैंने अभी बताया कि मैंने कोई भी कपड़ा नहीं लिया, तो कपड़े भी मेरे से बहुत फटते हैं, ये है मेरे अंदर। तो मैं सोची कि मैं गई कपड़े लेने, और मेरी एक नज़र ऐसे पड़ी कि ये, फिर मैंने बोला भैया ये दिखाना, तो दिखाए, इसकी जो साइज़ थी वो एम साइज़ थी, अभी मुझे XL हो रहा है, तो एल साइज़ थी, हाँ एल साइज़ थी, तो वो मेरे को थोड़ा पेट वगैरह से टाइट हो रहा था, तो मैंने नहीं लिया। तो फिर मैं सोची कि नहीं मिलेगा, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पसंद है तो दूसरा पीस है इसमें से, और कलर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं अभी ऐसे कलर के सूट वगैरह नहीं पहनी, साड़ी पहनी हूँ बट इतना मतलब इस कलर का नहीं है, और एक वो जो मतलब अलग सा येलो होता है ना, उस कलर की मैंने एक कुर्ती ली। तो आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ बताना कमेंट्स करके कौन सा कुर्ती अच्छी है ज़्यादा दोनों में से। और अभी मुझे ये दोनों हो गया है थोड़ा सा वैसे, अभी मुझे दो तीन कुर्ती और लेनी है, तीन लेनी है, क्योंकि डेली वेयर के लिए गर्मी में कॉटन कॉटन सा, और गांव में बहुत गर्मी लगती है, यहाँ तो आप कुछ भी पहन के रख सकते हो, मोटा भी पहन के रख सकते हो पतला भी, बट गांव में बहुत गर्मी होती है, और मेरे से गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दवाई खा रखा है, और 5 साल से AC की लत लग गई है, तो जो लोग AC में रहते हैं उनको पता है कि AC रहे, वो भी घर में रहना हमेशा, ये भी नहीं कि चलो कहीं बाहर वगैरह गए हो, इतना आपको लत नहीं है, हमेशा AC में रहना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, खाना तो बिल्कुल कहता है मैं गाँव में नहीं जाऊँगा, और जब वहाँ पे लाइट कट जाती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, थोड़ा मैं इसको सुला लूँ दोबारा, ये 10 मिनट से ज़्यादा सोता ही नहीं है।
ये भी मतलब लाखों में।